तो दोस्तों आज हो गई है 27 दिसंबर, और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके इस देश के अन्नदाता के समर्थन में खड़े हैं और तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए किसानों के समर्थन में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, कृषि कानूनों के विरोध पर एनडीए में एक और टूट, अकाली दल के बाद अब आरएलपी ने भी छोड़ा है एनडीए का साथ। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, एक के बाद एक झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं एनडीए को कृषि कानून आने के बाद। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों और विपक्षी दलों की ओर से हो रहे हमलों तथा प्रदर्शन के बीच एनडीए के सहयोगी दलों के बागी तेवर लगातार बने हुए हैं। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी किसानों को समझाने में जुटी है, उनको बरगलाने में लगी है, तो वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल ने किसान आंदोलन के बीच कहा है कि आरएलपी ने भी एनडीए छोड़ दिया है कृषि कानूनों के विरोध में। अकाली दल पहले ही एनडीए छोड़ चुका है, और अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि किसानों के मुद्दे पर आरएलपी ने भी छोड़ दिया है एनडीए का साथ, लगा है तगड़ा झटका। हनुमान बेनीवाल ने कर दी है इसकी घोषणा। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, पुराने भाजपाई यशवंत सिन्हा ने नरेंद्र मोदी को कहा है प्रधान झूठा। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और भाजपा के नेता रहे यशवंत सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधान झूठा कहा है। सिन्हा ने ट्वीट कर कहा है कि देश का प्रधान झूठा दूसरे लोगों पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहा है। उनके इस ट्वीट पर कई यूजर्स ने अपनी यहां पर प्रतिक्रियाएं दी हैं, तो वहीं आप लोगों को बताते चलें, कई यूजर्स ने यहां पर प्रधानमंत्री मोदी को लिया है निशाने पर। एक यूजर ने कहा है कि इस प्रधान झूठे को मंत्री बनाने में अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल मुख्य भूमिका में रहे हैं, अब समय आ गया है कि झूठे प्रधान को कुर्सी से उतारना है, अगर सबने मिलकर के साथ काम किया तो इससे भी जाना ही होगा। तो वहीं एक अन्य यूजर ने कहा है कि देश का सबसे बड़ा झूठा प्रधान दूसरों को झूठा बता रहा है ना कमाल की बात। देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को कई यूजर्स ने यहां पर लिया है निशाने पर, और बीजेपी के दिग्गज नेता रहे यशवंत सिन्हा ने नरेंद्र मोदी को कहा है प्रधान झूठा। क्या दोस्तों आप लोग यशवंत सिन्हा की इस बात से सहमत हैं या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं, किसान आंदोलन का वीडियो शेयर कर राहुल गांधी बोले मिट्टी का कण कण गूंज रहा है, मोदी सरकार को सुनना ही पड़ेगा। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, किसान दिल्ली की सीमाओं पर लगातार डटे हुए हैं। इस बीच एक बार फिर से राहुल गांधी ने किसानों की आवाज को बुलंद किया है। राहुल गांधी ने किसान आंदोलन से जुड़ा एक वीडियो शेयर कर कहा मिट्टी का कण कण गूंज रहा है, मोदी सरकार को सुनना ही पड़ेगा। देख सकते हैं दोस्तों कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने वीडियो में किसान आंदोलन की विभिन्न झलकियां दिखाई हैं, जिसमें किसान कह रहे हैं कि सरकार को हमारी बात सुननी भी पड़ेगी और वे मांगे माने जाने तक आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों राहुल गांधी ने घेरा है मोदी सरकार को। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, किसान 29 दिसंबर को करेंगे मोदी सरकार से सशर्त बात, कहा पहले बताएं कृषि कानून रद्द करने की पूरी प्रक्रिया। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघू बॉर्डर पर किसानों का 31 दिनों से आंदोलन लगातार जारी है। समझौते के लिए मोदी सरकार की ओर से पिछले दिनों एक पत्र भी भेजा गया था, जिस पर संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने जवाब में सरकार से 29 दिसंबर को बैठक बुलाने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही अपनी चार मांगे भी भेजी हैं यहां पर किसानों ने। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि हमारा प्रस्ताव यह है कि किसानों के प्रतिनिधियों और भारत सरकार के बीच अगली बैठक 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे आयोजित की जाए। इसके साथ ही कृषि मंत्रालय के सचिव की ओर से भेजे गए पत्र के जवाब में किसान मोर्चा ने कहा है कि अफसोस की बात है कि इस चिट्ठी में भी सरकार ने पिछली बैठकों के तथ्यों को छिपा करके जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। हमने हर वार्ता में हमेशा तीन केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग की है। सरकार ने इसे तोड़ मरोड़ कर ऐसे पेश किया मानो हमने इन कानूनों में संशोधन की मांग की थी।
देख सकते हैं दोस्तों, बड़ी खबर सामने निकल के आई है। किसान संगठनों और मोदी सरकार के बीच में अब 29 दिसंबर को होगी वार्ता। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। किसान नेता राकेश टिकैत को मिली जान से मारने की धमकी, बिहार से आया फोन। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने जान से मारने की धमकी भरे फोन कॉल पर कहा है कि बिहार से फोन आया था, वे मुझे हथियारों से मारने की धमकी दे रहे थे। मैंने पुलिस कप्तान को रिकॉर्डिंग भेज दी है, वे जरूरत के अनुसार आगे की कार्रवाई करेंगे। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। पहले पंजाब के लोग सूरवीर थे, दिल्ली पहुंचे तो खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चाइनीज हो गए। कांग्रेस ने पीएम मोदी का पुराना वीडियो शेयर कर मारा है ताना। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहे जाने पर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला है। मध्य प्रदेश में भोपाल दक्षिण पश्चिम से कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा ने प्रधानमंत्री का 3 साल पुराना वीडियो शेयर कर कहा है कि जब वोट मांगना होता है तब पंजाब के लोगों को सूर वीर बताया जाता है। उन्होंने कहा है कि जब वहां की जनता अपना हक मांगने दिल्ली में बैठी है तो उन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चाइनीज, नक्सली और गालियां दी जा रही हैं बीजेपी वालों की तरफ से। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि भाजपा नेताओं के द्वारा प्रदर्शनकारी किसानों को खालिस्तानी और पाकिस्तानी समर्थक कहे जाने पर कांग्रेस नेता ने जताई है नाराजगी और प्रधानमंत्री मोदी पर भड़के हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। अरुणाचल में जेडीयू के 6 विधायक के बीजेपी में शामिल होने पर तेज प्रताप यादव बोले, टूट चुकी है जेडीयू, जल्द बिहार से भी हो जाएगा सफाया। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद जेडीयू में खलबली सी मच गई है। जेडीयू के 6 विधायकों को बीजेपी के द्वारा अपनी पार्टी में शामिल कराए जाने के बाद नीतीश कुमार के चेहरे की हवाइयां उड़ गई हैं। उधर विपक्ष को जेडीयू पर निशाना साधने का एक और मौका मिल गया है। आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव ने जेडीयू के 6 विधायकों के अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी में शामिल होने पर कहा है कि वहां यानी कि अरुणाचल प्रदेश से शुरुआत हो चुकी है कि अब बिहार में भी इनका सफाया हो जाएगा। जेडीयू पूरी तरह से टूट चुकी है, नीतीश कुमार जी ने बहुत गलत फैसला लिया और खुद अपनी पीठ में छुरा मारने का काम किया है। यह यहां पर बड़ा बयान सामने निकल के आया है तेज प्रताप यादव की तरफ से, और उन्होंने कहा है कि बिहार से भी जल्द ही सफाया होने वाला है जेडीयू का। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। सिर्फ पंजाब हरियाणा में ही नहीं, पीएम मोदी के गुजरात में भी किसानों का आंदोलन हुआ तेज। हिरासत में पूर्व सीएम समेत कई किसान। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, मोदी सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ अब किसानों का आंदोलन दिन पर दिन तेज होने लगा है। एक और जहां मोदी सरकार का कहना है कि ये विरोध सिर्फ हरियाणा और पंजाब में ही हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पीएम के इस बयान को गुजरात से आई तस्वीरें ही पूरी तरीके से झूठा करार दे रही है। हकीकत तो यह है कि पूरे देश में ही कृषि कानूनों का जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है, यहां तक कि गुजरात में भी किसान अब विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों को समर्थन देने का ऐलान किया है। प्रदर्शनकारी किसानों का समर्थन करने के लिए वाघेला ने अहमदाबाद में दिल्ली चलो अभियान शुरू कराया। हालांकि पुलिस को उनकी गिरफ्तारी यहां पर करनी पड़ी है। देख सकते हैं कि लगातार बीजेपी सरकार की तानाशाही राज्यों के अंदर देखने को मिल रही है, चाहे फिर वह उत्तर प्रदेश हो और चाहे गुजरात, क्योंकि दोनों ही जगह बीजेपी की सरकार है, इसलिए लगातार किसान आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। आरएसएस की कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं केरल के राज्यपाल, सीपीएम के वरिष्ठ नेता ने लगाया है गंभीर आरोप। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, केरल में कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की अनुमति नहीं देने पर राज्य की सीपीएम की सरकार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के बीच गतिरोध बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राज्य में सीपीएम के एक वरिष्ठ नेता ने आरोप लगाया है कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय के निर्देशों पर काम कर रहे हैं। केरल के पूर्व शिक्षा मंत्री और राज्यसभा के सदस्य रह चुके सीपीएम के इस वरिष्ठ नेता ने कहा है कि आरएसएस के मुख्यालय के द्वारा केंद्र सरकार को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और इनके बारे में गवर्नर को जानकारी दी जा रही है। उन्होंने यहां भी कहा है कि राज्यपाल केरल की जमीनी हकीकत से वाकिफ है और वहां
इन्हीं दिशा निर्देशों पर ध्यान न दिए जाने का छलावा कर रहे हैं। ये यहाँ पर दोस्तों केरल से बड़ी खबर सामने निकल के आई है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में यहाँ पर सीधा टकराव होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। ओवैसी अब गुजरात में देंगे बीजेपी को चुनौती, पीटीपी के साथ लड़ेंगे पंचायत चुनाव। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, गुजरात में आगामी स्थानीय चुनाव के लिए भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी कि बीटीबी और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी साथ आ गए हैं। दोनों ही पार्टियों ने चुनाव साथ लड़ने का फैसला किया है। यह जानकारी बीटीपी विधायक छोटू भाई वासवा ने दी है। आप लोगों को बताते चले, वसावा ने बताया है कि बीटीपी और एआईएमआईएम संविधान को बचाने के लिए एक साथ सियासी मैदान में उतरे हैं। फरवरी मार्च में जिला पंचायत और तहसील पंचायतों के चुनाव होने हैं। छोटू वसावा जहां गड़िया से विधायक हैं और उन्होंने यहां पर इस गठबंधन का किया है ऐलान। दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो आप लोगों ने यू एंड वीडीपी पर जानी है। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।